हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कल जो वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड किए थे उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया और जैसा कि आप लोगों को बताया थे कि यहाँ पे लेक्चर क्लासेस चलेंगी और आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे टेंथ। आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस बता ही दिया गया था कि पूरे 3 महीने की क्लासेस चलेंगी जिसमें पहले दिन आपको सिलेबस बता दिया गया था और आज से यहाँ पे टेंथ का स्टार्टअप करते हैं और हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया है। खैर, उसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया और उस वीडियो में हमें जो व्यूज मिले और जो लाइक मिले उसके माध्यम से उससे हम प्रेरित होकर ही आगे वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग फर्स्ट डे है और उसमें देखेंगे आप लोग व्हाट इज टेंस। सबसे पहले अगर हम देखें टेंस आया कहाँ से, इसे हम ले हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो अगर हम जानें कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, ऐसे बोलचाल की भाषा में कोई भी जानता है इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। सबसे पहले बोले अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए आपको बताएंगे एन इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेस अस हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली। यानी कि इंग्लिश ग्रामर एक विज्ञान है जो हमें सही सही बोलना सही सही पढ़ना सिखाता है और उसी से ही आया है टेंस। टेंस को इंग्लिश ग्रामर से लेकर यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं व्हाट इज टेंस, टेंस का हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है उसको देखते हैं। यहाँ पे टेंस इज एक एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस दैट इंप्लाइज टेंसेस आर यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब पार्टिकुलरली देयर कंजंक्शन बट बिकम्स द मेन टेंस हाउ द मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी ऐसा कोई सा भी शब्द जो काल को सूचित करे, टेंस का तो विद्या आप लोग बताइए काल, ऐसा कोई सा भी शब्द जो काल को सूचित करे उसे टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टेंस इज ए कैटेगरी दैट एक्सप्रेस टाइम, यानी कि जो टाइम को एक्सप्रेस करे उसे टेंस बोलते हैं। डिफरेंस टेंसेज आर यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म, जो स्पेसिफिक फॉर्म्स होता है उसके लिए हम टेंस का यूज करते हैं। और हाउ पार्टिकुलरली इन द कंजंक्शन पैटर्न द मेन टेंस फाउंड इन मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई सा भी शब्द हो, जैसे अगर आगे उसकी बात की जाएगी, अगर कोई सा भी शब्द होता है उसको जानने के लिए उसे सूचित करने के लिए 3 खंडों में बांटा गया है जिसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का मतलब है यहां पे वर्तमान का, उसके बाद यहाँ पे पास्ट की बात करें भूतकाल। अब फिर आगे देखते हैं यहाँ पे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पे हम पहले प्रेजेंट टेंस की बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले यहाँ पे बात करें प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद सेकंड में देखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। जैसे क्या है कि इन तीनों का है ना, इन तीनों का मान सेम ही होता है। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोले, कंटीन्यूअस बोले और इंपरफेक्ट बोले, इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा है हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद चौथा का आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप यहां पे देख चुके हैं देयर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस V5 V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, जैसा हिंदी अनुवाद होगा उसके अनुसार से करेंगे। जहाँ पे V1 का प्रयोग होगा वहाँ पे V1, जहाँ पे V5। अब क्या है कि V1 और V5 का जो माने आ रहा है इसमें आपको भर्ब जब पढ़ाया जाएगा भर्ब में बताया जाएगा V1 और V5 क्या होगा। ऐसे सिंपल फॉर्म में बात करें अगर आज देखा जाए गो का गो वेन गॉन गोइंग गोज, एज आपका हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फाइव फॉर्म, ऐसे करके 5 फॉर्म होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस है। जैसे कोई एज ए अनुवाद अगर आप कमेंट करते हो तो उसे अभी हम करा सकते हैं बट यहाँ पे हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है सीता नाचती है, सीता नाचती है,
तो यहाँ पे लिखेंगे सीता डांसेज, सीता डांसेज। ये जो ए से यहाँ पे आया, अब फाइव से आया, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पटेट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पटेट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर स्ट्रक्चर बोले, सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको सिंपल परमानेंट टेंस की पहचान बता दें, जिस वाक्य के अंत में ना आए, ना जैसे सीता नाचती है, ती आ जाए, ते आ जाए, ऐसे अनुवाद को सिंपल परमानेंट टेंस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाएगा। सिंपल परसेंट है, जिस स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद परसेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे हम अगर बात करें, परसेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस एन ई आर प्लस आईएनजी। ये जो आईएनजी होता है वर्ब फोर में आता है, जो आपको वर्ब जब पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे आईएनजी कहाँ होता है, एसे आईएस कहाँ होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वो वर्ब में आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बाजार, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, लगा हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस एम ई आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अब क्या है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, उसके बाद अगर आगे देखें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट टेंस का पहचान आपको बता दें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लगा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट। अब हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, ये आपको आगे की वीडियो में बताई जाएगी। अभी बस इसका हम यहाँ पे ब्रीफली कर देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसका अगर हम कोई अनुवाद बनाए, जैसे सीता गा चुकी है, यहाँ पे गीत भी आता है और गीत भी में गाना का भर, गाना का ऐसे मीनिंग देखा जाए तो सिंग हो जाएगा। उसका गीत गिरी बोले तो सिंग का होता है, सिंग का सेंग संग, उसका संग आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय सूचक हो, जैसे दो वर्षों से, तीन वर्षों से, दो घंटों से, चार घंटों से, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बी प्लस और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे अनुवाद लिखे हैं दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू इयर्स, यानी कि वो दो वर्षों से इंग्लिश बोलने का सीख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू इयर्स, वो दो वर्षों से अंग्रेजी बोलने का सीख नहीं रहे। और ऐसे करके इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आपको अभी इसमें नहीं बताएंगे। देखिए कोई इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आपको, अगर साइंस देखते हैं आप, मैथ देखते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं, अगर साइंस पढ़नी है आपको, मैथ पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़नी है, तो उसमें तो अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। तो इसलिए इंग्लिश का आना कंपलसरी है। इसमें छोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। और वैसे आप जो भी पहले वीडियो बनाए थे और उसमें बोले थे कि रेगुलर क्लासेस चलेगी आपको 3 मंथ, उसमें पहला वाला जो सिलेबस वाला वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्रेम दिखाया है और उसमें व्यूज वगैरह भी काफ़ी गए। और आज बस इसका ब्रेक भी कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे हम आपको आज बता दिए परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी के लिए कल आपको मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसे आप लर्न करें। थैंक्स।